करो दुर्योधन। आइए बताऊं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे विवाह में आपका आशीर्वाद मिलेगा। आइए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया दुर्योधन कि तुम बलपूर्वक विवाह करोगे और मैं आशीर्वाद दूंगा? ऐसा नहीं है पितामह। ये विवाह भानुमति की सहमति से ही हो रहा है। यदि ये विवाह भानुमति की सहमति से होता तो यह अंग में नहीं कलिंग में होता। तुम्हें हरण करने की आवश्यकता नहीं होती दुर्योधन। पुत्री भानुमति, दुर्योधन ने जो किया उसके लिए मैं हस्तिनापुर की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। सच सच बताना पुत्री, क्या तुम ये विवाह किसी विवशता के कारण कर रही है? स्वयंवर में जो हुआ हुआ, परंतु इस समय भीष्म तुम्हारे सामने उपस्थित है। किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि यह विवाह तुम्हारी सहमति से नहीं हो रहा तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें सम्मान पूर्वक कलिंग वापस भेज दिया जाएगा। मैं सम्मान सहित जाना चाहती हूं महामहिम। परंतु कलिंग नहीं, हस्तिनापुर। क्योंकि ये विवाह मेरी सहमति से हो रहा है। तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना पितामह, और मित्रकर्ण को भी मेरे साथ साथ आज वो भी धनपति जीवन में प्रवेश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं पितामह? कर्ण कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो आज से पूर्व ना हुआ। कर्ण ने ऐसा ही कुछ कर दिया जो आज से पूर्व नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कर्ण? विवाह की रीतियां संपन्न करें पुरोहित।
आइए। बधाई हो जिसके पद स्पर्श से तुम्हारा पुष्प खिला, उसके साथ जीवन भी सुगंधित बीतेगा। अंगराज कर्ण, राजकरण को विवाह की बधाई, जरासंध की शुभकामनाएं स्वीकार करो मित्र। आमंत्रित किए बिना ही आप यहां आए हैं मगध नरेश, तो स्पष्ट है कि आपका यहां आना केवल बधाई देना नहीं होगा। इस पूरे संसार में अकारण कुछ भी नहीं होता अंगराज। अगर जन्म का कारण होता है तो मृत्यु का भी कारण होता है। वर्षा आने का कारण धरा की प्यास को बुझाना होता है और अग्नि जलने का कारण घर्षण होता है। और दो लोग मित्रता भी इसी कारण से करते हैं, जो अपने शत्रुओं से अधिक बलशाली बन सके। मेरे यहां उपस्थित होने का भी एक कारण है, किंतु इतना समय है मेरे पास कि मैं तुम्हारे विवाह की औपचारिकताएं पूरी होने तक रुक सकूं। विवाह करो, कारण उसके पश्चात बताऊंगा। भुगत ग्राम जा रही हूं, मेरी चिंता मत करना, पिताश्री है मेरे साथ। क्षमा करना कर्ण, सुप्रिया को माला देने से पूर्व मैंने उसमें से ये पुष्प निकाल लिया। स्मरण है कर्ण, तुमने कहा था हमारा प्रेम पुष्प की सुगंध भांति है। जिसे
केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। जाओ कर्ण, अपने प्रसन्न गृहस्थ जीवन का प्रारंभ कर। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि यह हमारी अंतिम भेंट है। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने सदा तुम में अपना नायक देखा है, जिसके लिए उसका कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। सदा अपने धर्म पर टिके रहना, जो उचित लगे वही निर्णय लेना, ये मैंने तुम्हें से सीखा है और वही किया है मैंने। मैं जा रही हूं कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक स्वप्न के टूट जाने से आशा नहीं मरती, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सहयात्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। पुष्प की सुगंध, पुष्प को खो देने का स्मरण कराती है हमारा प्रेम। सुगंध बंद कर नहीं, एक पीड़ा, एक वेदना बनकर हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। भी रूप में सही कर प्रेम तो रहेगा ना। अपने आने का कारण बताइए मगध नरेश। मैं आया क्योंकि समय भी आ गया है मेरा, मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। कल प्रातः मैं अंग और मगध की सीमा पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। परंतु आपको सहायता क्या चाहिए? एक योद्धा की आवश्यकता युद्ध में ही पड़ती है मित्र। और ये युद्ध किससे करना है?
मेरे सबसे बड़े शत्रु से। और ये सारा संसार जानता है कि जरासंध का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर उससे युद्ध करना है। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे। कल प्रार्थना करते हैं राधे? मैं करती हूं सदा नियम से, और एक कुंवारी कन्या की प्रार्थना सदा उसके पति के विषय में होती है। तो क्या मांगा आपने अपनी प्रार्थना में? यही कि मेरा पति ऐसा हो जिसके सामने आते ही मेरा शीश आदर से झुक जाए, और जिसके विषय में सोचकर गर्व से उठ जाए। परंतु हर स्त्री की भांति मेरे मन में भी चिंता रहे कि मेरे आराध्य मेरी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं। जो पूछना चाहती हैं स्पष्ट रूप से पूछिए। शाली कौन है अंगराज? और उससे आपका क्या संबंध है? हम दोनों का विवाह नियति का एक ऐसा मोड़ है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जिस मंडप में हम दोनों का विवाह हुआ उसी मंडप में खुशहाली और मेरा विवाह होना था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बार वो मेरा घर नहीं, हमारा घर। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। ये सूत पुत्र राधेकरण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। खुशहाली का प्रेम मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। एक पति का कर्तव्य, एक पति का धर्म निभाने में कर्ण कभी कोई त्रुटि नहीं करेगा। अब हम दोनों विवाहित हैं, इसलिए बस अंगराज, एक पत्नी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि उसका पति उसे कभी असत्य ना कहे।
आराध्य ने मुझे मेरी पूजा का फल दे दिया। अंगराज, आपको भी उसी आराध्य की पूजा करनी चाहिए। प्रतीत होता है कि आपके आराध्य बड़े शक्तिशाली हैं। कौन है वो? कुछ कहते हैं कि वो देवों के देव हैं, और कुछ उन्हें हमारी ही भांति मात्र एक मनुष्य मानते हैं, जो अजर नहीं, अमर नहीं, परंतु मेरे जैसे भक्तों के लिए वो मृत्यु, जीवन और जड़ से कहीं आगे हैं। आपने भी उनका नाम सुना होगा, वो है वासुदेव कृष्ण। कृष्ण, मुझे दिया हुआ वचन पूरा करने का समय आ गया। स्मरण है ना वो वचन कि तुम एक बार मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे। हम वासुदेव कृष्ण पर आक्रमण करेंगे।